लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए सोशल मीडिया पर बिक रहा है फेक पास, जिसको लेकर के पुलिस हो गई है चौकन्नी। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। मुंबई पुलिस द्वारा एक ऐसे आरोपी को पकड़ा गया है जो लोकल ट्रेन में फेक पासेस बनाता था, जिसके आधार पर लोगों को ये कहता था कि आप इस आईडी के जरिए ट्रैवल कर सकेंगे। इसको लेकर के जो आरोपी है शिवा मिश्रा, उसको अरेस्ट किया गया। शिवा मिश्रा जो आरोपी है वो एडवर्टाइजमेंट देता था सोशल मीडिया पर कि आपको अगर ट्रेन में ट्रैवल करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वो अपना ही नंबर दिया था। और साइबर पुलिस की डीसीपी रश्मि क्रांतिकार को जब ये मालूम पड़ा कि फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए मुंबई लोकल में सफर करने को लेकर के एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो डीसीपी मैडम ने एक नकली कस्टमर बनाया, जिसके बाद आरोपी शिवा मिश्रा ने कहा कि 1000 रुपये में आपको एक बीएमसी का आईडी कार्ड मिलेगा, जिसके बाद आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकेंगे। उसके डील होने के बाद जो नकली कस्टमर बन करके आए थे उन्होंने एक जगह पर बुलाया और वहाँ पर डीसीपी मैडम ने उन्हें अरेस्ट किया, जिसके बाद फेक आईडी बनाने वाले जो भी उसके पास से सामान थे, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर्स, वो सारी चीज़ों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। और साइबर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ये भी कहा है कि ऐसे गिरोह से अवेयर रहिए, क्योंकि लोकल ट्रेन में सफ़र करने को लेकर के आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं। अगर आप पकड़े गए तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जिस तरीके से रेलवे की जो भीड़ बढ़ते जा रही है उसको देखते हुए रेलवे भी चौकन्नी हो गई है और अब कार्रवाई जो है वो सख्त से सख्त हो रही है, क्योंकि लोकल ट्रेन में हर एक कोई फेक आईडी बनाने पर तुला हुआ है, जिसमें काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, लॉयर्स है, मीडिया है, और जो भी लोगों को सर्विसेज करने की परमिशन दी है उन लोगों के ज़रिए फेक आईडी बनाया जा रहा है। और ट्रैवल करने को लोगों में भी एक मैसेज जा रहा है कि आप पैसा दीजिए और हम फेक आईडी बनाएंगे जिसके ज़रिए आप ट्रैवल कर सकेंगे। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, और जब तक मुंबई लोकल का कोई अपडेट ना होता है आप इस तरीके की कोई हरकत ना करें। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।